पिछले कुछ समय से यस बैंक काफी सुर्खियों में है फॉर नॉट सो गुड रीजंस। अभी 5 मार्च 2020 को यस बैंक पर मॉरेटोरियम इम्पोज किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसे एज ऑन डेट हटा लिया गया है और यस बैंक का मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल लिया गया है। अभी मिस्टर प्रशांत कुमार, जो कि एसबीआई में पहले एसोसिएट थे, उन्हें यस बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि यस बैंक का शेयर जो 400 रुपए में ट्रेड कर रहा था अगस्त 2018 में, वो अभी 20 रुपए पर आ गया है। यस बैंक ने शेयर होल्डर्स की बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है। आइए हम समझेंगे इस पूरे एपिसोड से 5 महत्वपूर्ण इन्वेस्टिंग लेसन जो आपके काम आ सकते हैं फ्यूचर में, और ये मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है फिनवर्ल्ड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में और समझेंगे उन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को जिन्हें हम फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं और इस तरह के वेल्थ डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल व्हेन यू आर एनालाइजिंग ए स्टॉक। ध्यान रखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज लाइक ए नीव ऑफ ए बिल्डिंग। अगर किसी बिल्डिंग के नीव ही स्ट्रांग नहीं रहेगी तो बिल्डिंग भी बहुत अच्छे समय तक नहीं चल पाएगी। आप और हम जैसे रिटेल शेयर होल्डर अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए मैनेजमेंट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं। अगर मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो यस बैंक जैसी कहानी दोहराई जा सकती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैनेजर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू मेक द नंबर्स will at some point be tempted to make up numbers. That has been the very much case in Yes Bank. Rana Kapoor, in the desire of growth, has forced the number like anything. During 2016 and 17, उन्होंने अपनी books में NPA दिखाए मात्र 2000 करोड़ रुपए। RBI का audit हुआ वहाँ पे उस साल और RBI ने 8000 करोड़ रुपए का massive amount NPA का declare किया, जो कि 3 गुना उनके reported figure से ज़्यादा था। ये फर्स्ट इंडिकेशन था आपके लिए कि मैनेजमेंट पीछे कुछ कहानियां पका रहा है, कुछ हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है और अपनी बुक्स को मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट शुड प्ले ए वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन योर डिसीजन मेकिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न, दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बहुत अच्छा इंसाइट देता है उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के नियर टर्म फ्यूचर के बारे में और बाकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ब्लू बार्स है रिटेल इन्वेस्टर आप और हम जैसे लोग, रेड बार है FII, ग्रीन बार है DII एंड पर्पल बार है प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्च 2019 में FII का होल्डिंग था 40.33%, जो कि दिसंबर तक आते आते 15% हो गया है। हर बार, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका शेयर होल्डिंग गिरते जा रहा है। सेम वे अगर मैं प्रमोटर्स का होल्डिंग देखूं, तो प्रमोटर का होल्डिंग मार्च 19 में 19.80% से दिसंबर तक आते आते 8.33% हो गया है। आपको अगर याद हो, राणा कपूर कहते थे अपने यस बैंक के लिए, यस बैंक मेरा बेबी है, यस बैंक के शेयर्स मैं कभी नहीं सेल करूंगा, डायमंड्स आर फॉरएवर। आप देख सकते हैं मार्च 19 में उनका शेयर होल्डिंग था 19.8% और दिसंबर तक आते आते वो 8.33% हो गया। सेम वे अगर मैं DII की बात करूं, उनका शेयर होल्डिंग परसेंटेज था मार्च 2019 में 21.38%, जो कि दिसंबर 19 में ओनली 4% रह गया। आप देख सकते हैं किस तरह स्मार्ट गाइस ने अपना पैसा यस बैंक में धीरे धीरे कम किया है। एंड रिटेल शेयर होल्डिंग जो कि 18% के आसपास थी मार्च में, दिसंबर तक आते आते वो तकरीबन 63% हो गई। ऐसा क्या देखा रिटेल शेयर होल्डर ने कि अपनी शेयर होल्डिंग उन्होंने तकरीबन 3-3.5 गुना बढ़ा दी। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं ओवर द क्वार्टर्स, तो आपको समझ में आता जो स्मार्ट गाय है, जो बिग गाय है, वो अपना पैसा धीरे धीरे हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम करते जा रहे हैं। दोस्तों FII एंड DII पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर पास अवेलेबल नहीं हो पाते टाइम पे, और हमारा डिसीजन डिलेड हो जाता है। जब भी ऐसा देखा गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उस कंपनी से एग्जिट करना शुरू किया ओवर द क्वार्टर्स, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के फंडामेंटल इश्यू है। ये कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए था रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लेकिन हमने पूरा उल्टा ही देखा। 18% से बढ़ाकर उनका शेयर होल्डिंग 63% तक पहुंच गया, यानी
3.5 गुना उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग। अगर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती तो आपको नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना पैसा वहां से नहीं निकालते, इनफैक्ट अपना अलोकेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाते रहते। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग कम करते गए और रिटेल इन्वेस्टर्स में फंसते चले गए। तो दोस्तों इससे हमें समझ में आता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ऑलवेज सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रमोटर का होल्डिंग क्या है, प्रमोटर कितने परसेंट से अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं और क्यों कम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी स्टॉक को आप ओन करते हैं, जो भी स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसमें चेंजेस देखिए, उसे मूवमेंट देखें, बिग मनी का उसमें कितना बड़ा रोल है और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से मूव कर रहा है। अगर ये पैटर्न ऊपर की तरफ जाता है तो इट इज जनरलाइज स्टेटमेंट दैट स्टॉक इज गोइंग टू बी परफॉर्म वेल इन फ्यूचर। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कितनी तेजी से रिटेल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग बढ़ते जा रही है येस बैंक में, और उसी तेजी से FII प्रमोटर्स की होल्डिंग घटती जा रही है, और ये एक अच्छा लर्निंग हो सकता है हमारे लिए फ्यूचर में। लोअर प्राइस डज नॉट मीन द वैल्यू। वॉरेन बफेट कहते हैं व्हाट यू पे इज द प्राइस एंड व्हाट यू गेट इज द वैल्यू। जिस तरह से यस बैंक का शेयर प्राइस पिछले 1.5 साल में 400 रुपए से नीचे आना शुरू किया, रिटेल इन्वेस्टर को लगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी कंपनी खरीदने के लिए। जैसे जैसे उसका प्राइस कम होता गया, रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते रहे। अभी ये शेयर 350 का मिल रहा है, अभी ये शेयर 150 का है, अभी ये शेयर 100 का है, तो वापस एक दिन ये 400 रुपए पर जा सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस इज नॉट इक्विवेलेंट टू वैल्यू। दोस्तों ध्यान रखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक प्राइस मूवमेंट ये थर्ड पार्ट का ही एक्सटेंशन है। जब तक किसी कंपनी के फंडामेंटल चेंजेस नहीं होते, एक सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप नहीं आता उस कंपनी के शेयर प्राइस में, ऐसा जनरली देखा गया है। यस बैंक वाले केस में हम देख सकते हैं अगस्त 2018 में जो शेयर 400 रुपए का था वो धीरे धीरे आते आते 6 रुपए कर गए। ये एक मैसिव डिस्ट्रक्शन था शेयर प्राइस में। ये हमारे दिमाग में घंटी बजाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ कंपनी में पकड़ रहा है, कुछ ना कुछ फंडामेंटल कंपनी के हिले हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट उन्हें भाव नहीं दे रहा है। एंड लास्टली बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन, नॉट ओनली स्टॉक्स, नॉट ओनली अक्रॉस एसेट क्लास बट इन योर बैंक अकाउंट ऑल्सो। अभी जैसे RBI ने 5 मार्च को येस बैंक पे मॉरेटोरियम इम्पोज किया था, तो शेयर होल्डर तो परेशान थे ही, जो डिपॉजिटर थे येस बैंक के वो भी परेशान थे, वो भी अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे येस बैंक से। दोस्तों ध्यान रखिए, डाइवर्सिफिकेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। आपका अक्रॉस द इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, आपका अक्रॉस द सेक्टर्स डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और आपका डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द बैंक्स भी होना चाहिए। डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर मनी इन सिंगल बैंक, ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल बैंक एंड ऑलवेज इंक्लूड वन पब्लिक सेक्टर बैंक। आई वुड पर्सनली रिकमेंड ऑलवेज गो फॉर बिग गाय, ऑलवेज गो फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज योर प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर, बिकॉज दे आर द मोस्ट सेफेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आगे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।